क्या नाटक कर रही है, पता नहीं मेरे भाई ने ऐसा क्या सिखा दिया हमें। तो दोनों बहनों को यही शौक लग रहा है कि ऐसा क्या अकेले में सिखाया है कि लड़की पागल हुई जा रही है। जो खुद नहीं समझ आया ऐसा क्या किया है, आई मीन दो दिन आया पढ़ाने, कल का आया छोरा और यू नो पागल हुई हुई है गौरी। सो आई एम आई सेल्फ वेरी क्लूलेस, बट मुझे ये समझ आ रहा है कि आई थिंक शी इज फाउंड अ गुड कंपनी इन हिम एंड बहुत प्यार से एंड अच्छे से समझा। आई थिंक फैमिली में ऐसा कोई मिला नहीं है। आई थिंक दैट्स वाई शी इज़ वेरी रेस्टलेस एंड शी इज़ फाइंडिंग कि आदित्य क्यों नहीं आया, पढ़ाने आता है, ये टाइम है। सो शी इज़ बेसिकली आस्किंग एवरीबडी एंड सुहानी तो उसकी बहन है तो शी आफ्टर है, उसको पुश कर रही है सो बस पागल पत्ती इतनी प्यारी है, इतने दिनों बाद घर वापस आई है तो सब झेलना ही पड़ेगा प्यार से। झेलना तो पड़ेगा, अब भाई बहन है घर की, इकलौती बेटी है सो इतना तो करना ही, इतने तो नखरे उठाने पड़ेंगे। भाई को ना बुलाने के पीछे भी ये है कि कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहती कि सब कुछ जब अच्छे से चल रहा है तो मेरा भाई इन्वॉल्व हो और कुछ चीज़ें बिगड़े, इसके लिए मैं डर रही हूँ। इसके लिए मैंने आदि को मना किया कि वो ना आए, लेकिन अब इसकी ज़िद के आगे तो मुझे झुकना पड़ा और उसे बुलाना पड़ा। अब देखते हैं क्या होगा।